मोदी सरकार अपने अंतरिम बजट में हाउसिंग पर खास फोकस रखने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ब्याज सब्सिडी का दायरा बढ़ाया जा सकता है। हाउसिंग फॉर ऑल मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है और इसके टारगेट को पूरा करने के लिए फंड में 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसका ऐलान बजट में हो सकता है। फंड में बढ़ोतरी से घर खरीदारों को काफी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और इस खबर पर पूरी जानकारी लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रकाश, मोदी सरकार इस बार के बजट में सबसे ज्यादा फोकस जो है वो हाउसिंग फॉर ऑल पर कर रही है, लेकिन ये सपना कितना साकार होता हुआ दिख रहा है? देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल सरकार का काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, एक टारगेट है, और 2022 तक हर किसी को अपना घर मिले, इस टारगेट के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। और उसी के मद्देनज़र पिछले बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग पर काफ़ी फोकस किया गया था। पूरे सेक्टर के लिए जो अनाउंसमेंट किए गए थे वो अलग, लेकिन जो सरकार की एक काफ़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसमें MIG 1, MIG 2, EWS कैटेगरी के जो होम बायर्स होते हैं, LIG के जो होम बायर्स होते हैं, उनको अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडी का फ़ायदा मिलता है। और उसके लिए सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग फंड बनाने की घोषणा की थी, जिसको कि नेशनल हाउसिंग बैंक ऑपरेट करती है, और उसके ज़रिए होम बायर्स को अगर कोई घर खरीदते हैं तो इंटरेस्ट सब्सिडी का फ़ायदा जो है वो दी जाती है। ये प्रस्ताव दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इस बजट में उस फंड के साइज़ को बढ़ाया जाए और इसमें 50% की बढ़ोतरी करते हुए उसको 15,000 करोड़ रुपए कर दिया जाए। इससे यह फायदा होगा कि एक तरफ जहां रियल एस्टेट सेक्टर में जो अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट है उसमें तेजी आएगी, ज्यादा घर बनेंगे, साथ ही साथ उसके डिमांड को बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि होम बायर्स को जब इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा तेज़ी से मिलेगा, और नेशनल हाउसिंग बैंक जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए डिस्बर्समेंट जो है उसमें तेज़ी लाएगी, तो जाहिर तौर पे कंपनियों को भी फायदा होगा। तो एक तरफ जहां होम बायर्स को फायदा होने जा रहा है, दूसरी तरफ सेक्टर को भी फायदा होने जा रहा है। हालांकि चुनावी साल है, उसके बावजूद भी अंतरिम बजट है, लेकिन चुनावी साल है, लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में बड़ी राहत दे सकती है और होम बायर्स को एक खुशखबरी मिल सकती है। तो बिल्कुल, एक बात तो तय है, रियल एस्टेट सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस हो रहा है, पिछले बजट में भी फोकस रहा था, और इस बार क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत फायदा मिलता हुआ दिखने की पूरी संभावना यहां पर देखने को मिल रही है।